हेलो ट्रेडर्स, अपनी कंपाउंडिंग सीरीज का आज है डे 5। तो आज का अपना जो ओपनिंग बैलेंस है वो $29 है और अपना जो टारगेट बनता है 30% के हिसाब से तो वो होता है $9। तो अपना जो ओपनिंग बैलेंस है उसको अपन सेकंड एक्सेल शीट में टाइप कर देते। तो उससे पहले जो लोग न्यू है वो लोग जाके अपने जो डे 1 से डे 4 के वीडियोज देखो, कैसे अपन $10 को $25K तक पहुँचाने वाले हैं। तो वहाँ से आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। तो आज का अपना ओपनिंग बैलेंस है उसको टाइप कर देते सेकंड एक्सेल शीट में यहाँ पे। तो देखो $29 इनिशियल कैपिटल टाइप कर दिया है और पहला ट्रेड का जो अमाउंट आया वो $3 का है। तो $3 यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो इन्वेस्टमेंट के अंदर पहला ट्रेड का जो अमाउंट रहेगा वो $3 का रहने वाला है। और लॉस प्रॉफिट उसको कैसे मैनेज करते हैं वो तो सारा सब कुछ पुराने वीडियोज में बता रखा है। तो पुराने वीडियो जाके देख लो ताकि यहाँ पता चल जाएगी कैसे अपन मैनेज करने वाले। और देखो अपना जो ट्रेडिंग रहने वाला है वो होता है प्राइस एक्शन पे भी रहेगा और अपना जो यहाँ पे इंडिकेटर है उसका भी यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशन मिले। यूरो जीबीपी में अप डायरेक्शन का ट्रेड दिखा रहा है तो देखेंगे लास्ट के कुछ सेकंड्स में, अभी उसको चलने दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जा सकते थे बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टाइमिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया तो आप लोग वेट कर लो, वीडियो को पूरा देख लेना ताकि सीखने भी मिल जाए साथ में नॉलेज भी मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल जो लोग ज्वाइन नहीं हो वो लोग टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लो। सिग्नल आज का देख लो, सारे के सारे शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, जिसको लॉस रिकवर करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ही फ्री में देख लो, ठीक है। तो सारे देख लो एक बार शॉर्ट शॉर्ट सारे के सारे, तो जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट, तो अब के लिए मैंने प्लेस किया ट्रेड। अब के लिए क्यों प्लेस किया, देखो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे ट्रेड लगा ये वाला, ये जो लेवल है प्रॉपर अपना स्ट्रांग लेवल है। स्ट्रांग लेवल पे आने के बाद एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुए। एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है यहाँ पे देखो, तो जो अपना लास्ट कैंडल रहता है रेड कैंडल उसी को एंगल्फ किया, एंगल्फ यानी कि पूरा कवर कर लिया इस ग्रीन कैंडल ने। तो नेक्स्ट कैंडल जो रहता है वो अपना ग्रीन जाता है, जो कि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, सीखने में मिल जाता है। जैसे मैंने बोला कि जिसको नहीं पता पूरा वीडियो देखा करो, अच्छा खासा नॉलेज वीडियो से मिल ही जाता है। तो यहाँ पे देखो एंगलफिंग पैटर्न जनरेट हुआ और यहाँ पे जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए इजीली। तो देखो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया मार्केट, तो अभी देखो इतना ऊपर गया तो अभी नेक्स्ट जो टारगेट है उसका वो फाइन करेंगे, यानी कि कहाँ तक मार्केट जाके स्टॉप कर सकता है। तो यहाँ तक देखो, तो अपना वीडियो का फायदा यही है, इतना डीप नॉलेज देते हैं अपन। देखो स्टॉप कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, सब कुछ देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो देखो अगर ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपके लिए जा सकते हैं, बिकॉज ऊपर गैप छूट गया है। तो नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन रहने वाला है, बट पहले जाएंगे एक्सेल शीट में और यहाँ पे टाइप करने के कैपिटल W। तो नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट है वो $4 के साथ जाएंगे, 3.92 दिख रहा है, यानी कि $4 का नेक्स्ट अपना ट्रेड रहने वाला है। तो नेक्स्ट में अब के लिए जैसा कि मैंने बोला ब्रेक हुआ है लेवल अपना और नेक्स्ट टारगेट ऊपर है, तो अगर चांस अच्छा मिला तो मैं प्लेस कर दूंगा, अदरवाइज इग्नोर करते नेक्स्ट कैंडल में प्लेस कर देंगे। तब तक के लिए इंडिकेटर को एक बार चेक कर लेते हैं, तो इंडिकेटर क्या दिखा रहा है यहाँ पे एक बार उसको भी देख लेते हैं। इंडिकेटर में कोई भी सिग्नल है नहीं अभी के लिए, बट चलो कोई ना, अपन अपने एनालिसिस के हिसाब से। तो देखो जैसा मैंने बोला था कि नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का वो ये हो सकता है अपना ये ब्रेक होने के बाद। तो अगर ये रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे क्लोजिंग दिया रेड कैंडल, तो नेक्स्ट में अप के लिए यहीं से चला जाऊँगा। 1 मिनट, ओके। देखो एंट्री गलत है अपना, एंट्री इतना बढ़िया है नहीं, बट फिर भी जो मार्केट है वो नेक्स्ट वो ऊपर ही जाने वाला है यहाँ से, तो मैंने अप के लिए प्लेस कर दिया। तो ये वाला जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट इसको टच करके ही आया है, ये वाला अपना जो लाइन है उसको, बट फिर भी अभी जो गैप तो छूट ही गया ना कहीं, तो बायर्स इस गैप को फिल करने के लिए एक ग्रीन कैंडल बना सकते हैं। तो नीचे की तरफ तो ब्रेक नहीं कर सकता ये वाला कैंडल मेरे हिसाब से, बिकॉज नीचे देखो अगर नीचे ब्रेक करना हो तो ये वाला जो अपना कैंडल है वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं करता। देखो 20% ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, और ये जो कैंडल है अपना सेलर उसने यहाँ पे दिखाया है कि सेलर अभी इतनी मात्रा में भी एक्टिव है नहीं, तो ये वाला जो ऊपर वाला गैप है वो फिल होना चाहिए, तो मैंने अब के लिए प्लेस कर दिया। अगर लॉस जाता है ये वाला तो मैं पहले से रेडी रहूंगा मार्टिंगल के साथ कैपिटल L टाइप करके। नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट है $9.817, यानी कि $9 के साथ मैं अब के लिए जाने वाला हूँ। देखो $9 के साथ मैंने अब के लिए प्लेस कर दिया। देखो मार्टिंगल क्यों प्लेस किया, मेरे को पता है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल ही आने वाला है, तो मार्टिंगल इजीली प्लेस कर दिया। और जहाँ पे मैंने बोला था कि ये नीचे वाला लेवल ब्रेक हो नहीं सकता, बिकॉज
यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट होने वाला है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो अपना ये वाला गैप जो छूटा है दोनों लाइन के बीच में उसको फिल करेगा। तो देखो सेम वैसे फिल करा है, एक बार इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ कि कौन से लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। देखो यही वाला लेवल मैं बोल रहा हूँ, दोनों ब्लू लाइन है उसके बीच में जो एरिया है उसको फिल करेगा मार्केट, बिकॉज यहाँ पे देखो सेलर अपनी वीकनेस दिखा रहा है यानी कि ग्रीन कैंडल आएगा। एंट्री काफ़ी बढ़िया ले रखा है तो इजीली आईटीएम तो होने ही वाला है, बट देखते हैं। देखो जैसे मैंने बोला नीचे ब्रेक होना नहीं चाहिए, बट फिर भी देख लेते हैं अपना जो भी है, ठीक है। तो तब तक के लिए एक बार इंडिकेटर दिखा दे, इंडिकेटर कोई सिग्नल दे रहा है या नहीं। इंडिकेटर के हिसाब से भी मार्केट ऊपर ही रहने वाला है। तो यूरो जीबीपी का देख लो यहाँ पे डोज, ओके देखो परफेक्ट ग्रीन कैनल बन चुका है और अपना यहाँ पे भी ग्रीन बन चुका है यानी कि आईटीएम हो चुका है। जो भी एनालिसिस अपने किया एकदम परफेक्ट था। तो सेकंड ट्रेड भी आईटीएम हो गया, टोटल 3 ट्रेड अपने को विन करनी है, तो अपना 30% का जो टारगेट है वो गेन हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट दिखा रहे हैं $4, तो $4 के साथ अभी अप के लिए नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे एंट्री अपने को मिलता है। तो यहाँ पे जा सकते थे बट वेट करना बेटर है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा यूरो जेपी वाई को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं, और वीडियो देखो मैं पूरा अपलोड करता हूँ, वीडियो में कोई कटिंग होता नहीं इसलिए वीडियो लॉन्ग होता है, ठीक है, क्योंकि कट वट करके वो सब नहीं करना अपने को, जो भी है सीधा दिखा देने का। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करूँगा एकदम यही पे, मार्केट काफ़ी स्ट्रांग लेवल दिखा रहा है देख लो। तो जहाँ पे बार बार यहाँ रिजेक्ट हुआ सेम चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्लोजिंग एक बार देख लो यहाँ पे, चलो इंडिकेटर में तो सिग्नल यहाँ से यूरो जेपीआई में अप के लिए मिल चुका था और अब मार्केट चला भी गया। तो भी नेक्स्ट कैंडल वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन सकता है यहाँ पे, तो यहाँ तक सेकंड लेवल भी लगा लेते हैं, बीच में काफ़ी सारे रिजेक्शन है तो यहाँ पे भी लगा लेते हैं एक बार। ओके देखो एंट्री कहाँ पे प्लेस किया मैंने, डाउन के लिए प्लेस किया। देखो पहले से मैंने ये वाला लेवल जो है सबसे टॉप वाला इसको लगा लिया, यानी कि क्लोजिंग इसका इसी के नीचे होना चाहिए, तो मैंने रिवर्स के लिए प्लेस किया डाउन डायरेक्शन के लिए। देखो हर जगह ये चांस अपने को मिल जाता है, अगर आपके पास नॉलेज है तो हर जगह आपको चांस मिल जाएगा ट्रेड प्लेस करने का, बट जल्दबाजी नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ से शिफ्ट करके यूरो जेपीआई में आ गया और यहाँ पे अपने को मिल गया चांस इजीली। तो देखो अपना लेवल कितना प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आप लोग बोलते हो कि लेवल वर्क नहीं करता, देख लो यहाँ पे पहले से पता लगा लिया कि कैसे कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी अपना आईटीएम हो चुका है, तो बैक टू बैक सारे के सारे आईटीएम कर लिए, ओनली वन लॉस गया जो कि मार्टिंगल में विन किया है मैंने, ठीक है। तो बैक टू बैक विन ही किए, तो अभी जाते हैं अपना एक्सेल शीट में और डे 5 जो है अपना उसको ग्रीन कर देते हैं। हमारा जो टारगेट था वो 30% का वो हो चुका है गेन। तो अभी देखो कल सैटरडे और संडे आएगा फिर, तो तब अपने को अपन ट्रेड नहीं करेंगे ओटीसी में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो बैक टू बैक 3 विन करने के लिए रिस्क नहीं लेंगे, मंडे से ही अपना वीडियो आएगा। तो जो लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो एक बार फिर से बोलता हूँ, लॉस रिकवर अच्छा खासा हो जाएगा, ज्वाइन हो जाओ। एक्यूरेसी देख लो पहले अपनी, यहाँ पर ये अपना आज का सिग्नल है सारे के सारे 95% एक्यूरेसी, ओनली वन लॉस। उसके बाद कल का यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो अपना कल का भी अच्छा खासा रिजल्ट था सारे के सारे आईटीएम में, देख लो यहाँ पे। तो ज्वाइन हो जाओ फ्री में बिल्कुल, उसके लिए कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत है नहीं। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी ज़्यादा वीडियो और भी ऐसे नॉलेज वाले आने वाले हैं एकदम प्रॉपर साइकोलॉजी प्राइज एक्शन के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कमेंट कर देना, बाय बाय।